से जानेंगे, लेकिन छह राशियां हमारी बची हुई है प्रशांत जी, एक भविष्य की पहली झलक उनके बारे में भी जान लेते हैं। श्रुति खरबंदा जी, तुला राशि के लिए साल 2024 कैसा होगा? साल 2024 तुला राशि के लिए शुरुआत में कार्य से जुड़े नए अवसर लेकर आता है, लेकिन प्रेम संबंधों में और सेहत को लेकर ध्यान से विचरण करने की जरूरत रहेगी। राजकुमार जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024? देखिए, वृश्चिक राशि की जब हम बात करते हैं तो वृश्चिक राशि शनि की ढैया से प्रभावित रहेगी। भ्रंशम क्लेशम चा शत्रुम प्रवृद्धिम, आपके घर के ही आपके शत्रु बन सकते हैं। डॉक्टर नीति शर्मा जी, नए साल में क्या कहती है धनुराशि? धनुराशि वालों के लिए आय के साथ साथ खर्चों की अधिकता रहेगी। साथ साथ जो लोग फॉरेन ट्रेवलिंग प्लान कर रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस साल आप फॉरेन सेटलमेंट कर पाएंगे। संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस वर्ष आपके लिए बने हुए हैं। डॉक्टर एच एस रावत जी, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2024? मकर राशि वालों के ऊपर चल रहा 6 साल से दुखों का पहाड़ हट जाएगा, खुशियां आने वाली हैं और रंक से राजा बनने वाले हो। डॉक्टर वैराखी जी, कैसी रहेगी कुंभ राशि? ओए गजब है ये राशि, क्योंकि शनि कर रहे हैं आप ही की राशि में गोचर और इस साल विक्रम संवत में मंत्री भी हैं, तो आपकी तो है बल्ले बल्ले। आचार्य शैलेश तिवारी जी, मीन राशि वालों के लिए क्या है फ्यूचर 2024 का? मीन राशि वाले जातकों के लिए अपमय से बचने की जरूरत है और परिवार में चल रहा तनाव की समाप्ति होगी। श्रुति जी, साल 2024 के लिए कौन सा हो सकता है सबसे ज्यादा फलदायी महामंत्र? साल 2024 में शिव की उपासना में नमः शिवाय का जो मंत्र है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राजकुमार शास्त्री जी, कोई महामंत्र 2024 के लिए? देखिए, जहां हम मंत्र की बात करते हैं, यदि आप महिला हैं तो शिवाय नमः ऐसा उच्चारण करेंगी, और यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, यह आप में स्त्री और पुरुष के मंत्र में उच्चारण का अंतर रहेगा, इसी मंत्र से सबका कल्याण होगा। डॉक्टर नीति शर्मा, कौन सा महामंत्र उद्धार करने वाला है? धन प्राप्ति के लिए केवल एक छोटा सा मंत्र, ओम श्रीम स्वटिक की माला पे रोज एक बार इस मंत्र का जाप करें और देखें किस प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर वर्ष भर बरसती रहेगी। एच एस रावत जी, 2024 के लिए कोई महामंत्र जातकों के लिए? सबसे ज्यादा कष्ट शनि और राहु देते हैं, इसलिए शनि का छोटा सा वैदिक मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, आपका शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर वायराखी, कौन सा महामंत्र कृपा बरसाने वाला है? हमें तो सिर्फ शनि को खुश करना है इस वर्ष, तो उनके गुरु का नाम लीजिए, महादेव की पूजा कीजिए और ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ये मंत्र जाप। भविष्य 2024 में वक्त है सभी राशियों के हाल जानने का, और सबसे पहले श्रुति खरबंदा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी मेष और वृषभ राशि का भविष्य फल क्या होने वाला है? देखिए, मेष राशि से शुरुआत करते हैं, ये साल जो है इनके लिए सफलताओं को लेकर आ रहा है, क्यों मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ, लेकिन इनको बहुत ध्यान से चलने की जरूरत रहेगी। 11वें भाव से इनके शनि गोचर कर रहे हैं, 12वें भाव से राहु गोचर कर रहे हैं, साल की शुरुआत में लग्न में गुरु रहेंगे, तो साल में जनवरी से लेकर मार्च तक इनको बहुत नए अवसर मिलते हैं जो कार्य से जुड़े रहते हैं, खासतौर पर जो मंगल की स्थिति है 10वें 11वें भाव में जाती हुई, तो इनके पराक्रम को बढ़ाती है, कार्यस्थल पर मान सम्मान को बढ़ाती है। बस इनको ध्यान रखना है कि वाद विवादों से बचना है। राहु जब 12वें भाव में होते हैं तो आपको अपने जो पेपर वर्क हैं वो बहुत स्ट्रांग रखने की ज़रूरत होती है कि आप कुछ ऐसा कोई गलती ना करें कि आपको कोई नोटिस या कोई लीगल जो है डॉक्यूमेंटेशन में नेगेटिवली जाना पड़े, तो उसको आप अवॉइड करें, अज्ञात शत्रुओं से बचते हुए चलना जिसको कहते हैं। लेकिन 11वें भाव का जो शनि है मई के बाद, मैं कहूँगी अप्रैल के बाद जो है, वो बहुत अच्छे योग बनाता है मेष राशि वालों के लिए, उनको परिवार से आर्थिक मदद या परिवार के लोग उनके पास आएंगे इस साल कि आप उन्हें सलाह दें, क्योंकि गुरु जो है गोचर करेंगे 1 मई को वृषभ राशि में, और वृषभ राशि में गोचर करते ही जो है कहते हैं कि उनकी वाणी में भी ना एक गुरु तत्व आ जाता है, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की कृपा होती है, तो आप अपनी वाणी आपकी मीठी होती है, आप उसको ध्यान से जो है मीठा रखें, परिवार से आपको आर्थिक मदद भी मिलेगी, और बस साल का जो अंत है वो आपको ध्यान से विचरण करना है, खास तौर से अक्टूबर से दिसंबर का,
माता पिता की सेहत को लेके थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत होगी, वरना ये साल जो है बहुत खूबसूरत है, यश प्राप्ति भी है और धन की प्राप्ति। वृषभ जाति के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला फ्यूचर? देखिए वृषभ राशि की अगर हम बात कर लें तो दसवें भाव में जो है शनि गोचर कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पे थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन निराशा जो है उसको ओढ़ के रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्यारहवें भाव का राहु बहुत गेंस जो है अचानक से धन लाभ भी दिलाता है। साल का पहला हिस्सा इन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा मैं कहूँगी उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके लग्न से जो है गुरु गोचर करते हैं और शनि नक्षत्र द्वारा जो है गुरु ग्रह से एक कनेक्शन बनाते हैं, जिससे इनको कार्यस्थल पे यश की प्राप्ति भी होती है, इनको प्रमोशन भी मिलती है, लेकिन वो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रहेगा जो कि मई ऑनवर्ड्स होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा संभल के चलने की भी ज़रूरत है। जब ऐसे होता है तो अज्ञात शत्रु जैसे हम कहते हैं कि वो भी पनपते हैं, निराश बिल्कुल नहीं होना है। और इस साल आपको कार्य से जुड़े नए अवसर भी मिल सकते हैं, प्रेम प्रसंगों में थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों पे ध्यान देकर रहने की रखने की जरूरत है जी। और भी जातक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि साल 2024 कैसा रहने वाला है, तो राजकुमार शास्त्री जी मिथुन और कर्क राशि का फ्यूचर 2024 में क्या हो सकता है? देखिए जहां हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मेरे पास में मिथुन राशि की कुंडली मेरे हाथ में है, और यहां पर मैं देख रहा हूं कि स्थिर जो लंबे समय तक चलने वाला ग्रह है वो शनि है और बृहस्पति है, शेष राहु और केतु भी एक राशि पर लगभग 18 महीने तक गोचर करते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ दो सूत्र सामने आ रहे हैं, शनि त्रिकोण का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। ऋषि पराशर ने लिखा है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा पतयस त्रिषडाया नाम यदि पाप फल प्रदा। त्रिकोण में बैठे हुए सभी ग्रह या त्रिकोण के स्वामी ग्रह हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं, इसलिए इस स्थिति के अनुसार जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए 2024 का वर्ष बेहद शुभ रहने वाला है, सभी प्रकार के उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना है, मिथुन राशि का जो केतु है वह कन्या राशि में हो करके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, और यह त्रिकोण भाव है, माता का कारक है, माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कहीं व्यापार कर रहे हैं तो सावधान होकर के करने की आवश्यकता, पार्टनर से ही धोखा हो सकता है, यानी सावधानी बरतनी। लेकिन कर्क राशि वाले भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका भविष्य क्या होने वाला है साल 2024। देखिए जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो यहाँ पर भाग्य भाव पर राहु का गोचर है, अष्टम भाव पर शनि का गोचर है। शनि जन्म लग्न स्थितान दोषान सर्वान नाशयते शनि, कुंडली के समस्त दोषों का नाश शनि ग्रह से होता है, लेकिन अष्टमम आयुषा स्थानम अष्टमाद अष्टमम चयत तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान उच्यते। अष्टम भाव कुंडली का मारक भाव कहलाता है, मार्केश कहलाता है। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, शरीर का जो निचला भाग है पैरालिटिक इत्यादि जैसी समस्याएं कर्क राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात खान पान पर ध्यान रखें, क्योंकि कर्क को अंग्रेजी में बोलते हैं कैंसर, हमेशा कर्क लग्न के व्यक्ति ज़्यादा कैंसर से प्रभावित होते हैं। कर्क राशि शनि की ढैया से प्रभावित है, शनि की ढैया का मतलब है भ्रंशम क्लेशम शत्रुम प्रवृद्धिम। अगर आप बड़ी पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं तो डिमोशन होने के योग बन रहे हैं, प्रमोशन नहीं डिमोशन होने के योग बन रहे हैं। पुत्रम सौख सौख और दोषम, यदि संतान की तरफ से कोई चिंता आपको हो सकती है, इस निर्धनत्वम धनम चा, और बड़े चढ़े हुए जो बड़े व्यापारी हैं उनके व्यापार में रुकावट आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, समय की कमी है, संक्षेप में हम चाहेंगे कि आप लोग बताइए। नीति शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, सिंह और कन्या राशि की भविष्यवाणी बताइए, आप 2024 में कैसे रहने वाली है? देखिए जब हम राशि की बात करते हैं तो यहाँ पे हम चंद्र राशि की बात करते हैं, लेकिन इस भविष्यवाणी को आप अपनी लगन राशि को भी कंसिडर करके चलें, क्योंकि लगन की एक्यूरेसी 2 घंटे तक होती है और चंद्र राशि की एक्यूरेसी 2 से 2.25 दिन तक होती है। तो
तो दोनों ही रूप में आपको अपनी सिंह लगन या सिंह राशि हो तो आप इस भविष्यवाणी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए सिंह राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि साल के पहले दिन चंद्रमा सिंह राशि मकर नक्षत्र से गोचर करते हुए देखा जाएगा। वहीं सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य हैं वो पूरे केंद्र बिंदु हैं सोलार सिस्टम के, राजनीति के कारक माने जाते हैं, अथॉरिटी के कारक माने जाते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर, बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर ये अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं। और इस वर्ष साल के प्रारंभ में गुरु और मंगल का एक्सचेंज है, यानी कि जो योग कारक ग्रह है नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में, ये जो त्रिकोण का परिवर्तन योग है बहुत ही मंगलकारी है। कार्य की दृष्टि से धर्म के भाव में गुरु का गोचर साल के प्रारंभ में रहेगा और उसके बाद दशम भाव में गुरु का गोचर रहेगा, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आप धार्मिक यात्राएं और धार्मिक अनुष्ठान करते हुए देखे जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका व्यापार है, नौकरी के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि मिलने वाली है, नए अवार्ड्स नई रिकॉग्निशन मिलने वाली है, संतान प्राप्ति के योग हैं, प्रेम संबंधों को आगे ले जाते हुए योग है, वालों के लिए खुशखबरी का साल रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मैं यहाँ पे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर सिंह राशि वालों को बोलूंगी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्पेशली पाइल्स या फिर आपको ब्लड से संबंधित कोई समस्या आ सकती है उसका ख्याल रखें। और दूसरा उपाय जरूर करें, आप लोगों के स्वामी सूर्य हैं आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य को अर्घ अवश्य दे सुबह उठकर। अब बात करते हैं कन्या राशि की, बुध की उच्च की राशि है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, इनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लॉ के सेक्टर में अकाउंट्स के सेक्टर में कन्या राशि वाले बहुत आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष केतु का गोचर कन्या राशि में है तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अपनी खोज में कन्या राशि वाले निकलेंगे, अपनी दिनचर्या में चेंजेस लेकर आएंगे, थोड़ी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन रहेगी, थोड़ा मेडिटेशन में जाएंगे, ये विशेष रूप से देखा जाएगा। लेकिन साल का पहला जो हाफ है मई से पहले थोड़ा सा आर्थिक समस्या आ सकती है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। मई के बाद आपका आर्थिक पक्ष बल मजबूत होगा, साथ में कार्य क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। इस वर्ष आपके स्पाउस की सेहत आपके लिए विशेष कंसर्न रहने वाली है तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। और उपाय हेतु भगवान बुध के बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम सब बुद्धाय नमः या ओम गण गण पते नमः का आप जाप करें और गौ माता को हर बुधवार को आप पालक अवश्य खिलाएं, ये आपके लिए फलदायी हो सकता है। एचएस रावत जी, तुला और वृश्चिक राशि के जातक किस तरह की उम्मीद करें साल 2024 में? बिल्कुल, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र दैत्य गुरु है और ये देवगुरु बृहस्पति के बराबर ही बड़ा ज्ञानी होता है और तुला राशि का जो मूवमेंट है जनवरी फरवरी और मार्च तक ये बहुत बलवान स्थिति में रहेगा। इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च में जो भी काम करना चाहते हैं आप कर डालिएगा। मार्च 31 को ये उच्च होगा लेकिन राहु के साथ हो जाएगा तो यहाँ हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको 25 दिन के करीब रहेगी। उसके बाद तुला राशि का जो शुक्र है वो बहुत अच्छी स्थिति में उसका मूवमेंट रहेगा। एंड में आप अगस्त में जाकर के 24 अगस्त से लेकर के और 18 सितंबर तक यहाँ ये नीच अवस्था में रहेगा और केतु के साथ रहेगा। इसका मतलब कहीं यूट्रस का ऑपरेशन हो सकता है, आपके यूरिनल प्रॉब्लम्स डिसीजेज किडनी वगैरह में थोड़ी तकलीफ आएगी। ये 20-22 दिन यहाँ बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है और उसके बाद लगातार आपका ये पीरियड अच्छा रहने वाला है। यानी तुला राशि वालों के लिए जो मैंने आपको 2 महीने बताए हैं इनमें सावधानी बरतनी है।